यस स्टूडेंट्स, तो आपका टॉपिक न्यू योगा फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा। आपको मैं एक बार बता दूँ, जो भी आपका जैसे कि योगा फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा हुआ, योगा फॉर प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन हुआ, योगा फॉर प्रिवेंटिंग बैक पेन हुआ, ठीक है, या योगा फॉर प्रिवेंटिंग आपका ओबेसिटी हुआ, उन इनमें से आपको एक जरूर आएगा एग्ज़ाम में। कोई भी आ सकता है कि इसका आप अस्थमा का डेफिनेशन लिखो और कौन कौन से आसन हैं जो इसमें आपको प्रिवेंट कर सकते हैं वो लिखने हैं, या किसी एक आसन का आपको नेम आ सकता है कि ये आसन है, इसका आप आपका प्रोसीजर बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस आपने लिखने हैं, ठीक है। तो आपको एक आपको जरूर आएगा, या तो हाइपरटेंशन, बैक पेन, ओबेसिटी या अस्थमा, ठीक है, आपको एक जरूर आएगा, ठीक है, 100% आएगा आपको, ठीक है। तो अस्थमा की बात करते हैं आप। अस्थमा क्या है? अस्थमा इज अ क्रॉनिक लंग्स डिजीज़, ठीक है ना, क्रॉनिक लंग्स डिजीज़, फेफड़ों की हमारी लंबे समय तक चलने वाली एक बीमारी है, ठीक है, डिजीज़ है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो ब्रीथिंग लेते हैं इससे वाइंड पाइप, ठीक है, वो हमारा सिकुड़ जाता है और हमें ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, ओके। तो ये हमारा अस्थमा होता है, ठीक है। तो कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि अस्थमा होता है तो कुछ सिम्टम्स दिखाए, जैसे कि आपका इंक्लूड कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट टाइटनेस, ठीक है ना भाई, आपका उसमें कफिंग हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया एंड चेस्ट टाइटनेस, ठीक है। उसके बाद अस्थमा अफेक्ट पीपल फॉर ऑल एजेस, ठीक है, जो अस्थमा है वो किसी भी एज में अफेक्ट कर सकता है पीपल को, बट इट इज़ मोस्ट ऑफन स्टार्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मोस्टली स्टार्ट होता है ये आपका बचपन से, ठीक है ना, चाइल्डहुड के समय से ही आपका स्टार्ट होने लगता है। द प्राइम जिसका प्राइम कोज फॉर दिस प्रॉब्लम इज पॉल्यूशन, जो इसका सबसे पहला कोज वो आप पॉल्यूशन की वजह से ही सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो तुम्हारी ये अस्थमा है, ठीक है, क्या लॉन्ग आपका क्रॉनिक डिजीज़ है। एक होता है एक्यूट डिजीज, मतलब कि ऐसा आपको फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, या थोड़ा मतलब कि जल्दी में हुआ, जल्दी ख़त्म हो गया, बट ये क्या है आपका क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है, लंबे समय तक चलने वाली एक ठीक है डिजीज़ है। तो इसमें आपका जो इसमें आसन हैं उसमें कुछ ठीक है ना ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं, ब्रीथिंग टेक्निक्स का मीन से आपका प्राणायाम से होते हैं, ठीक है ना, ब्रीथिंग तो प्राणायाम नहीं होता है ना, एक्सेलेशन इनहेल, ठीक है, और आपका होल्ड द ब्रीथिंग, ये आपका इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है आपका, इसमें आपका प्राणायाम कर सकते हो आप, इसमें आप जैसे कि आपका उज्जैन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, आपका भ्रमरी हुआ, ठीक है, तो वो अलग अलग प्राणायाम है, ठीक है। और आप कुछ आसन है जैसे कि आपका इसमें फर्स्ट आसन है सुखासन, चक्रासन जिसको आप व्हील पोज भी कहा जाते हैं, व्हील पोज, गौमुखासन, काउ पोज, ठीक है, जैसे काउ पोज, पर्वत आसन, लोटस पोज, ठीक है, भुजंगासन, कोबरा पोज, पश्चिमत आसन, ठीक है, सिंपल है, एंड मत्स्य अंदर फिश पोज, ठीक है। आपके आसन है सुखासन, चक्रासन जिसको हम व्हील पोज भी बोलते हैं, गौमुखासन जिसको हम काउ फेस भी बोलते हैं, पर्वतासन जिसको हम लोटस पोज भी बोल सकते हैं, भुजंगासन यानी कोबरा पोज, ठीक है, एंड पश्चिमत आसन एंड मत्स्य आसन जो फिश पोज है आपका, ठीक है। ये आसन हैं आपके जो आपको प्रिवेंट करते हैं अस्थमा से, ठीक है। तो आपका सुखासन आपका क्या है, सुखासन हुआ या आपका पद्मासन हुआ, सिंपल है, पद्मासन सिंपल है, आप बैठे हो, आपको क्रॉस लेग लगना है, मतलब कि आपका लेफ्ट जो फुट है वो राइट थाइस पे होगा, जो लेफ्ट है वो राइट पे, और आप एकदम आपका जो बैक है स्ट्रेट होगा, सिंपल, ठीक है, और जो ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका इसका प्रोसीजर है, आपको लिखने हैं सभी आसन के प्रोसीजर बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो सुखासन ये आपका, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ सुखासन क्या है, सिंपल, इसके बेनिफिट्स आपका वर्टिब्रा, ठीक है, आपका लेग्स मसल स्ट्रेंथिंग, ठीक है, सुखासन सिंपल, पद्मासन ही बोल सकते हो इसको इजीली, सुखासन यू नो वेरी वेल, क्योर अस्थमा, ठीक है, ये आपका सुखासन है, ओके, आपका सुखासन हो गया, ओके। उसके बाद चक्रासन, ठीक है, आप जमीन पे लेटे हो, पोजिशन आपकी लिंग पोजिशन में, और आपका दोनों हैंड्स आपके ईयर्स के पास, मैं यहाँ करके नहीं दिखा सकता, ठीक है, प्रॉब्लम है, तो आपको पूरा चक्र मतलब कि होल्ड करना है और अपना बैक अपवर्ड ऊपर को उठाना है, ठीक है, एक व्हील पोज बनाना है आपको,
ठीक है ना, विल पॉज, ठीक है। तो उसमें आपका जो आपका बेनिफिट्स हैं क्या होगा, सबसे पहले आपका बेनिफिट्स है जो आपका वर्टिब्रा, भाई एक बात आप ध्यान रखना, बेनिफिट्स में आपका आ जाता है कुछ भी आसन, मतलब कि कोई भी आसन आ जाता है आपको, तो उसको बेनिफिट्स तो दो चीज़ कॉमन है आपकी, दो या तीन चीज़। नंबर वन जो आपका पोस्चरल डिफर्मिटीज़ है, जैसे कि काइफोसिस, वर्टिब्रा की जो पोस्चरल डिफर्मिटीज़ है, काइफोसिस, लोडोसिस, ठीक है, और ये मेन चीज़ तो आपको बेनिफिट्स में लिख ही देना है। एक आप कौन सी डिपिशेशन लिख सकते हैं, कब्ज़ बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये तो बेनिफिट्स में आ नहीं है, कोई भी आसन कर लो, ये तो एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। और चक्रासन हो गया आपका, ठीक है, आपका गोमुखासन, सिंपल आप सिटिंग पोजिशन बैठे हो, ठीक है, जो आपका क्रॉस लेग है, जो आपका काव मसल्स है वो आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स के ऊपर आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। और आपका ऐसे जो वन हैंड बैक एंड देयर जो लेग से सिट करके आपका, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्या करें, ये आपका गौमुख आसन, काश ग्राउंड में होते तो आज हम ये आसन करते, ठीक है, गौमुख आसन, ठीक है, काउ फेस, ओके, गौमुख आसन, ओके, आप आराम से उसको देख लेंगे, ठीक है, काउ फेस, ओके। उसके बाद लोटस पोज, ठीक है, पर्वतासन, सिंपल है, आपको पद्मासन या सुखासन या सिद्धासन में बैठ जाना है जो मैंने बताया आपको, ठीक है, और मतलब कि उसमें आपका राइट जो फुट है वो राइट लेफ्ट हाइट्स पे, और जो लेफ्ट फुट है वो आपका राइट हिस्स पे, और आपको लोटस पोज, ठीक है, अपने हैंड्स रेज योर हैंड्स बैठ के, बस सिंपल आपका पर्वतासन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसके बेनिफिट्स हैं आपको, सिंपल कॉमन है, वर्टिब्रा प्रॉब्लम्स भाई आप सिंपली सिंपल सी बात है, आप सिट बैठोगे तो आपका जो पोस्चर डिफर्मिटीज़ है जो भी है वो भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा, जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी राउंड शोल्डर है वो, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है आपका भुजंगासन, कोबरा पोज या स्नेक, कोबरा, कोबरा स्नेक होता है ना, वो ऐसे लेटा हुआ और ऐसे उसका ऐसे रहता है, आपको ऐसे लेटना है प्रोलाइंग पोजिशन में, ठीक है, और अपने हैंड्स, ठीक है, अपने लेट के अपने पास ऐसे, और अपना जो अपर बॉडी पार्ट्स है वो उसको रेज करना है, ठीक है, और आपको स्नेक पोस्चर बनाना है या कोबरा पोस्चर, ठीक है, सॉरी कोबरा पोस्चर, भुजंग आसन, ये आपको ध्यान रखना, कोबरा पोस्चर्स मैं दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, इट इज़ भुजंग आसन, ठीक है, सिंपल इट ही अपना अपर बॉडी को उठाना है, एंड बेनिफिट्स आपका जो भी है मैं बता दिया, ठीक है, ये आपका भुजंग आसन, यह पर्वतासन, ये आपका भुजंग आसन, पर्वतासन, ये भुजंग आसन, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है पश्चिमोत्तान आसन, ठीक है, सिंपल है, इसमें पश्चिमोत्तान आसन में आपको सीधा बैठना है, अपने लेग स्ट्रेट सीधे रखने हैं, और जो आपके हैंड्स हैं वो टोको टच करेंगे, जो आपका हेड है या नेक है वो नी को टच करेंगे, ठीक है, सीधा आप सिर्फ बैठे हो, अपना लेग स्ट्रेट रखिए, हैंड्स आपके टोको टच करेंगे, और जो आपका नेक है वो आपको नी को टच करना है, स्ट्रेचिंग करना है आपका, आपका इसमें हैमस्ट्रिंग मसल्स, काव मसल्स या गैस्ट्रोमिनियस मसल्स, ठीक है, और आपका डेल्टोइड मसल्स सब इम्प्रूव होगा, ठीक है। और वर्टिब्रा तो मैंने बता दिया है भाई, ये तो आपका लिखना ही है पोस्चर डिफर्मिटीज़ में, ठीक है। ऐसे आपका लास्ट है आपका मत्स्य आसन, ठीक है, फिश पोज, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिश पोज, ठीक है, ये आपका फिश पोज, ठीक है, ये रहा, सिंपल आप क्रॉस लेग करना है, हैंड्स यहाँ रहेंगे, आपका नेक पीछे रहेगा इसमें, ठीक है, ये आपका फिश पोज। जब आप स्कूल में आएंगे या मैं कुछ स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा बाहर में धीरे धीरे, तो मैं आपको ये थोड़ा आप करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। तो ये आपके आसन हैं, इसके आपको प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस लिखने हैं, ठीक है, दो दो लाइन के आपको उनका प्रोसीजर है, और बेनिफिट्स लिखने हैं, तीन तीन चार चार बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शंस, ठीक है। तो ये आपका होप समझ में आ गया होगा अस्थमा, ओके, थैंक यू।